शिला प्रभुपाद की जय। क्या भोग में असली में सुख है? भोग मतलब संसार की चीज़ों को एंजॉय करने में, क्या रियली में वहाँ पे एंजॉयमेंट है या नहीं? अगर आप बुद्धिस्ट की बात करें तो वो कहेंगे वहाँ पे एंजॉयमेंट नहीं है, आपको लग रहा है एंजॉयमेंट है मगर एक्चुअली नहीं है। अगर आप बाइक पे घूम रहे हो तो आपको लग रहा है एंजॉयमेंट है मगर है नहीं। अगर आप कोई अच्छी चीज़ खा रहे हो तो आपको लग रहा है एंजॉयमेंट है मगर है नहीं। ये सब इल्यूजन है। बुद्धिस्ट का कहना यह है, उनकी फ़िलासफ़ी इल्यूजरी फ़िलासफ़ी है। मायावादी भी ऐसे ही कहते हैं, इन्जॉयमेंट है नहीं, आपको लग रहा है। बट हम वैष्णव ऐसा नहीं मानते, हम वैष्णव रियलिस्टिक रियलिज्म में बिलीव करते हैं। आप संसार को इन्जॉय कर रहे हो, आप इन्जॉयमेंट है, ऐसा नहीं इन्जॉयमेंट नहीं है। आप बाइक चला रहे हो, आप घूम रहे हो पार्टी में, इन्जॉयमेंट है, हम डिनाई नहीं कर सकते इन्जॉयमेंट नहीं है। जो इन्जॉय कर रहा है उससे पूछो, वो कह रहा है मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इन्जॉयमेंट नहीं है। इन्जॉयमेंट है पर हमारे अकॉर्डिंग वो इन्जॉयमेंट फ्लिकरिंग है, वो इन्जॉयमेंट टेम्प्ररी है, अशाश्वत है, ये हम मानते हैं। सो इन्जॉयमेंट है बट थोड़े टाइम के लिए रहेगी, पूरे टाइम के नहीं रह सकती। आप थोड़े टाइम बाइक चलाओगे अच्छा लगेगा, थोड़े टाइम बाद बोर हो जाओगे उसी बाइक से, थोड़े टाइम बाद पार्टी जाओगे आपको अच्छा लगेगा, थोड़े टाइम उसी पार्टी से फिर बोर हो जाओगे। सो दैट्स हाउ इट गोज। सो हम लोग मानते हैं कि इन्जॉयमेंट है बट टेम्प्ररी है, इसलिए हम लोग कहते हैं एक और ऐसी इन्जॉयमेंट है जो परमानेंट है, जो इससे आप कभी बोर नहीं होगे। तो आप कितनी टाइम तक हरे कृष्ण चैंटिंग कर लो, आप बोर नहीं हो सकते। ऑफ कोर्स अगर आप सही से करो तो, वैसे तो बोर हो जाओगे। आप पूरी लाइफ डिवोशन कर लो, कभी बोर नहीं होगे। इतने बड़े बड़े सेंट्स हुए हैं, कौन कौन बोर हुआ, उन्होंने पूरी लाइफ डिवोशन में बिता दी। सो ये थोड़ा अंतर है उनकी फिलॉसफी हमारी फिलॉसफी में। इसलिए अगर कोई पूछे कि भी संसार में सुख है, तो आपको ये नहीं बोलना कोई सुख नहीं है, वो एक आंसर गलत हो जाएगा। सुख है मगर टेम्प्ररी है, ये बोलना। प्रशील प्रभुपाद एक्टिव डिवोशन में शुरू में यही लिख रहे हैं, देयर इज हैप्पीनेस बट टेम्प्ररी, प्रभुपाद यही लिख रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि इटर्नल हैप्पीनेस है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं, क्योंकि अगर आप बोलो एन्जॉयमेंट नहीं तो कोई नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा, वो रियलिस्टिक होगा ही नहीं। और वैसे भी अपने लिए भी वो ठीक नहीं है, क्योंकि चक्कर ये है कि हम लोग अगर सोचते रहे यहाँ पे सुख नहीं है, सुख नहीं है, सुख नहीं है, ये सब माया है, वो हमारा माइंड कभी कन्विंस नहीं होगा, क्योंकि हम रियलिटी में नहीं चल रहे। सुख नहीं है, सुख नहीं है, फिर माइंड जाएगा वहाँ पे, सुख मिलेगा तो माइंड कन्फ्यूज होगा, कहेगा अभी मैं तो बिलीव करके चल रहा हूँ सुख नहीं है, यहाँ पे तो सुख है, तो फिर रिवोल्ट करेगा माइंड। इसलिए माइंड को बोलना है सुख है मगर इस सुख से बहुत ज़्यादा सुख स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है। जैसे प्रभुपाद ने बोला नहीं ना, वो हिप्पियों ने पूछा था कि भाई हम ड्रग्स पीते हैं उसमें बड़ा आनंद है। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, अगर तुम पूरा रूम ड्रग्स का भर दो और पूरा वो सारी ड्रग्स पी जाओ, उससे जो आनंद मिलेगा वो भक्ति का आनंद है। तो उनको समझ आ गया, अरे हाँ ये ठीक है, वो कंपेरिजन हो गया। सो एक लाइन को छोटा करना है तो बड़ी लाइन खींच दो तो अपने आप छोटी हो जाएगी, उसको एरेज नहीं कर सकते आप। मायावादी बुद्धिस्ट उसको एरेज करना चाहते हैं, सुख है ही नहीं, मिटा दो, नो दैट्स रॉन्ग। हम एक बड़ी लाइन खींचते हैं। ये भगवान ने गीता में कौन सा श्लोक बोला है? रस वर्जम रसोपियस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हायर टेस्ट लेके लोअर टेस्ट छोड़ो, यही बोला है ना भगवान। ये नहीं कह रहे टेस्ट नहीं है, हायर टेस्ट लेके लोअर टेस्ट छोड़ दो। इसलिए भगवान जो कॉन्सेप्ट जो गीता में ला रहे हैं वो कॉन्सेप्ट वैष्णव फिलोसफी का कॉन्सेप्ट है, बुद्धिज्म और मायावाद का कॉन्सेप्ट है ही नहीं वहाँ पर। वरना भगवान कभी नहीं बोलते हायर टेस्ट लेके लोअर टेस्ट छोड़ दो। भगवान ये कहते हैं लोअर टेस्ट है ही नहीं और स्पिरिचुअल टेस्ट ही है, वो कंपैरिजन नहीं होता वहाँ पर। क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है इसलिए हमें पता लगता है दोनों चीज़ रियलिटी है। हरे कृष्ण।